हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी वैसे तो बहुत ही कॉमन है, सबके घरों में बनती है, बट इस रेसिपी में एक ट्विस्ट है। यहाँ पे जो मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सूखी अरबी की सब्ज़ी, ये बहुत ही क्लीन बनेगी, बिल्कुल भी मैशी नहीं होगी। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम न्यू रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें सूखी अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने बॉयल करी हुई अरबी ली है, ये करीब 250 ग्राम अरबी है। हरी मिर्च, नींबू, हींग, हल्दी, अजवाइन, यहाँ पे मैं अरबी को अजवाइन में बनाऊंगी, हरा धनिया, लाल मिर्च, नमक, सौंफ और धनिया। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। अगर आप अरबी को किसी और ऑयल में बनाते हैं, घी में या वेजिटेबल ऑयल में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार सरसों के तेल में बना करके ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अगेन, सरसों का तेल हमारे लिए हेल्दी तो होता ही है। यहाँ पे जो मैंने अरबी ली है, जब भी आप अरबी की सब्ज़ी बनाएं, उसको हमेशा बॉईल करें और उसको छील करके फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख दें, जितना आपके पास टाइम है। अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है तो आप उतनी देर के लिए रखें, बट आप जिसको जितना ज़्यादा फ्रिज में रखेंगे उतना ज़्यादा ये सेट हो जाएगी और ये मैश्ड अप नहीं होगी जब आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, मतलब ये घुली घुली नहीं बनेगी, बिल्कुल क्लीन इसकी जो पीसेस हैं वो बहुत क्लीन रहेंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, मैं अपनी अरबी को गोल गोल काट लेती हूँ। देखिए, बिल्कुल गोल गोल, कहीं भी कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल ईजिली हमारी ये शेप मेंटेन रहती है अरबी की। और थोड़ा सा आप ऑयल इसमें अच्छा लें, क्योंकि अगर आप कम ऑयल लेंगे तो आपका जो बर्तन है उसी में ही अरबी चिपक जाएगी। हमारा तेल गरम हो गया है, आप इस कढ़ाई को पकड़ के बहुत केयरफुली करें और इस अच्छे से इसको कढ़ाई को कोट कर लें इस तेल में, जिससे कि जो सब्ज़ी है आपकी वो चिपकेगी नहीं कहीं बीच में। तेल अच्छा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे हींग, अजवाइन। अजवाइन हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है और अरबी जो होती है वो थोड़ा बादी करती है हमारे, इसलिए अजवाइन हमेशा बेस्ट रहती है अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल सकते हैं हरी मिर्च, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपकी हरी मिर्च कितनी ज़्यादा तीखी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी ये उबली हुई अरबी, इसमें जाएगा सूखा धनिया, सौंफ, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च अच्छे से डाली है इसलिए मैंने कट डाउन किया है लाल मिर्च पे, और आपके स्वाद अनुसार नमक। अब इसको जब हम चलाएंगे तो बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, आप देख सकते हैं मैं नीचे से उठा रही हूँ और ऊपर डाल रही हूँ, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके चलाना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, एक भी पीस अरबी का घुला नहीं है। हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे, तो ढक करके हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। आप अरबी की शेप कुछ डिफरेंट भी रख सकते हैं, आप लंबी भी काट सकते हैं अरबी, अगर आप गोल प्रेफर नहीं करते हैं। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें मैंने अमचूर पाउडर नहीं यूज़ किया है, क्योंकि इसमें मैं डालूंगी हरा नींबू। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नींबू आप बिल्कुल एंड में डालें। तो देखिए, झटपट हमारी सब्ज़ी तैयार है। गैस की फ्लेम हम कर देंगे बंद और इसको करेंगे सर्व। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने अरबी को गोल शेप में काटा था या लंबी शेप में।